वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता है। आज जिस व्हीकल का रिव्यू करेंगे वो है, आप देख सकते हैं, महिंद्रा डीआई 3200 जूम। यह 2013 का गाड़ी है। गाड़ी गुवाहाटी असम में खड़ा है, तो काफ़ी अच्छा गाड़ी है। पहले देखेंगे उसका टोटल कंडीशन क्या है, उसका बात करेंगे पेपर, उसका बात करेंगे प्राइस, तो ओवरऑल एक रिव्यू होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा वीडियो देखा और हमें फ़ोन कर दिया कि भैया इसका गाड़ी का डिटेल्स बताइए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा अंत तक देखिए। वो वीडियो पूरा देखने से किसी को फ़ोन नहीं करने से भी चलेगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हीकल का सामने हम लोग आ गए हैं। देखिए व्हीकल का नंबर S01EC5441, ये आपका गुवाहाटी रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी गुवाहाटी असम में खड़ा है। ये आपका फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मैं ऊपर तक दिखा रहा हूँ। अभी मैं एक बार साइड में आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे पीछे में लेके जाऊँगा। यह साइड में देख सकते हैं लोड किंग झूम। तो ये देख सकते हैं गाड़ी, तो दूर से भी दिखा रहा हूँ। तो ये महिंद्रा का गाड़ी है। अभी इसका खास बात है कि ये आपका 4 टन का गाड़ी है। मैं पहले बोल दिया हूँ, 4 टन मान के आप चल सकते हैं। ये पीछे में और एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए वॉक अराउंड दिखा दिया आपको, चारों तरफ से एक बार दिखा दिया। अभी धीरे धीरे मैं आपको टायर दिखाऊंगा, ठीक है। ये लेकिन 4 चक्का है। ये देखिए आपका फ्रंट टायर आप देख सकते हैं, और नीचे मैं आपको दिखा रहता हूँ कमानी पट्टी, क्योंकि हमेशा हमको पूछता है कमानी पट्टी दिखाना है। तो अब ये कमानी पट्टी है ना, कमीना पट्टी आप देख लीजिए, लीफ स्पिन सस्पेंशन। बहुत जगह में ये कमानी बोलते हैं, बहुत जगह में पट्टी बोलता है, अभी हर जगह में उसको अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। टायर तो आप देख ही चुके हैं, ये फ्रंट टायर और एक दिखा रहा हूँ आपको। देखिए टायर में मैं 10 में से आपको 5 नंबर दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 10 में से 5। यह आपका पीछे में टायर देखिए, ये पीछे टायर देखिए, ये इस टायर को मैं आपको 10 में से 7 नंबर दूंगा भाई। अभी आप कितना नहीं हमको मालूम नहीं, मैं लेकिन 10 में से 7 नंबर दूंगा। अभी पट्टी देखिए, इसमें नीचे भी ये पट्टी, इसमें भी ये पट्टी आप देख लीजिए। चेसी भी एक बार दिखा देते हैं आपको, चेसी दिखा देते हैं, और एक बार फ्यूल का टैंक का भी दर्शन कर देते हैं। देखिए अभी उस तरफ जाएंगे, ये और एक पीछे में टायर देखिए, पीछे टायर, इसमें मैं 10 में 6 नंबर दूंगा। ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, इसमें आपका चेसी आपको दिखाई पड़ गया, थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे भी आके आ रहे हैं। देखिए इस बार चेसी दिखा देते हैं, बैटरी तो लगा हुआ है, देख सकते हैं 2013 का गाड़ी है। प्रोपेलर साफ दिखा देते हैं एक बार, साफ्ट प्रोपेलर साफ्ट जितना हो सके मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको दिखाई पड़ रहा है शायद, देख लीजिए एक बार। अभी लोड बॉडी का अगर बात करेंगे, ये रहा हो गया आपका 10 फीट 6, ये लेंथ में हो गया लोड बॉडी 10 फीट 6, और यहाँ पे पीछे में अगर आएंगे तो ये आपका 6 फीट 6 इंच, यानी कि 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6, और ये 10 फीट। अभी मैं फ्लोर एक बार दिखा रहा था, ये आपका फ्लोर चारों तरफ एक बार दिखा रहा हूँ, ऊपर में भी दिखा रहा हूँ। इसका जो पासिंग है 4 टन है, एक्चुअली क्या है 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन 4 टन पासिंग है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको अभी आप हमको मांगे कि RC भेजो, वो भेजो, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपको चेक करना है, वो भेजने का सिस्टम नहीं है। अभी केबिन का अगर बात करेंगे तो ये शीशा का, ये देखिए ये तो टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ है लग रहा है। अभी देखिए जो है आपके सामने है, ये भी टूटा हुआ है। अभी केबिन का अगर मैं नंबर देने जाऊंगा तो 10 में 6 ही नंबर दूंगा, क्योंकि सीट अच्छा है, सीट में ही मैं नंबर दे रहा हूँ। बाकी और आप देख सकते हैं मेन्यू जो है, आपको यहाँ पे कुछ करवाना है, क्या करना है ये डीलर से बात करना होगा, क्योंकि जो पोजीशन में वही डीलर, लेकिन ग्लास नहीं टूटा है, लेकिन जो जो खराब है मैं आपको दिए, खराब है इसमें आपको कुछ नहीं है, ग्लोव बॉक्स में कुछ नहीं है, तो ऐसा आपको बात करना होगा, ठीक है। कंडीशन देखने के बाद अभी बात करते हैं इसका पेपर डॉक्यूमेंट्स, क्या पोजीशन है, कैसा है इसका स्थिति, ये देख सकते हैं आप। जैसा आप देख सकते हैं सारा कुछ अपडेट है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं 2023 तक करके ही अपडेट है। ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि
कोई भी आपको अपडेट नहीं कराना है, और डीलर का ये भी कहना है कि आपके नाम में ट्रांसफ़र भी करा देंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप लेंगे तो एक अच्छा एक डील होगा, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आना है और लेना है। अभी जो इसका प्राइस रखा है, मेन जो पॉइंट है जिसके लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्यों यही पॉइंट सुनने के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये रहा प्राइस 3,50,000 इसका प्राइस रखा है। 350 2013 का गाड़ी है। निगोसिएशन बार्गेनिंग सब कुछ होगा गाड़ी के सामने ऑफिस में होगा, कोई निगोसिएशन बार्गेनिंग फ़ोन पे नहीं होगा। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर भी आप लोग मुझे फ़ोन करते भैया इतना लीजिए इतना वो करिए, नहीं होगा। आप यहाँ पे आना है बात करना भाई, वो तो एक समझदारी का चीज़ होता है ना। देखिए कोई भी आप मान लीजिए आपका एक सामान है, मैं बोलूँगा कितना कमती देंगे, आप थोड़ी ना मानेंगे, आप बोलेंगे आप चला आइए यहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि जो फ़ोन में वो डिस्कस करते हैं वो लेने वाला आदमी नहीं होता है, वो सिर्फ जानकारी ही लेता है, सब जगह से जानकारी लेता है, इकट्ठा करता है, एक वो ऐसे लिखता है भैया इस गाड़ी का ये है कहानी, ये इस गाड़ी का ये है कहानी, उसके बाद वो ऐसे क्या करता है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो जानकारी लेने वाला हमको अभी आदमी नहीं चाहिए, जो एक्चुअली मेच्योर्ड आदमी है जो गाड़ी लेने वाला है वो यहाँ पे आएंगे, बाकायदा बात करेंगे, पहचान जान पहचान करेंगे, आप क्या है हम क्या है दोनों बात करेंगे, हम साथ साथ है। क्योंकि ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो पहले बोलेंगे हम साथ सर, उसके बाद बोलेंगे हम आपके है कौन। तो ठीक है, तो यहीं पे है 3,50,000 रुपये 2013 का गाड़ी है, गाड़ी गुवाहाटी असम में खड़ा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला दिन में ऐसा मैं बहुत सारा गाड़ी आपके लिए लेके आऊँगा विथ रिव्यू। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्राइस बोलता हूँ भैया ये देखिए इसका दाम इतना है, कितना दाम है इसका, वो तो मैं करता नहीं, पूरा फुल रिव्यू होता है, उसके बाद सब कुछ होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।